हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, मैं फिजिकल एजुकेशन की चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करा रही हूँ। तो दोस्तों, इसमें से आपका सीरीज चल रहा है स्पोर्ट्स मेडिसिन यानी कि खेल चिकित्सा, जिसके अंतर्गत स्पोर्ट्स इंजरी यानी खेल में लगने वाले चोटें एंड फिजियोथेरेपी यानी शारीरिक चिकित्सा, जल चिकित्सा, हाइड्रोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी इसके अंतर्गत आते हैं। एंड दोस्तों, डोपिंग एंड फर्स्ट एड यानी प्राथमिक चिकित्सा एंड मसाज से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये पार्ट नंबर 6 है दोस्तों। एंड दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन का तैयारी सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो मेरे चैनल पे सभी वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, वो भी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों, कोई भी चैनल आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप वीडियो फ्री में नहीं दे रहा है। दोस्तों, मेरे चैनल पे सभी चीज़ें फ्री में अवेलेबल है। दोस्तों, कोई आपको पैसा नहीं देना है। एंड दोस्तों, 100 से ज़्यादा वीडियोज प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज क्वेश्चन के हैं और डेली बेसिस पे प्रैक्टिस भी कराए जा रहे हैं चैप्टर वाइज। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। दोस्तों, क्वेश्चन है कि प्राथमिक उपचार का क्या उद्देश्य है। इस प्राथमिक उपचार का उद्देश्य, जैसा कि शब्दों से ही पता चल रहा है दोस्तों, प्राथमिक उपचार यानी सबसे पहले उपचार करना। ठीक है, प्राथमिक उपचार का उद्देश्य है सबसे पहले उपचार करना। ठीक है, एंड जीवन बचाना तथा स्वास्थ्य लाभ में सहायता करना, हालत को गंभीर होने से बचाना। ठीक है, उपयुक्त सभी यहाँ पे सही है। ये दोनों ऑप्शन इस तरीके से नहीं दिए होते दोस्तों, तो आपका केवल पहला ऑप्शन सही रहता, सबसे पहले उपचार करना। लेकिन सबसे पहले उपचार करने का मतलब ही है कि जीवन को बचाना, स्वास्थ्य में सहायता करना और हालत गंभीर होने से बचा के रखना डॉक्टर के आने तक। नेक्स्ट है फर्स्ट एड, जो प्राथमिक उपचार बॉक्स होता है, शब्द को सबसे पहले इंग्लैंड में कब अपनाया गया। तो फर्स्ट एड शब्द का प्रयोग सबसे पहले इंग्लैंड में 1879 में किया गया, और इस शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया, इंग्लैंड में, ये भी ध्यान में रखिएगा। कब किया गया, 1879 में। नेक्स्ट है प्राथमिक उपचार को किस एसोसिएशन ने सर्वप्रथम अपनाया था दोस्तों। तो इसको अपनाया था सेंट जोन्स एम्बुलेंस एसोसिएशन, इंग्लैंड के सेंट जोन्स एम्बुलेंस एसोसिएशन ने 1879 में। नेक्स्ट है दोस्तों, प्राथमिक उपचार में कौन कौन से उपचार होते हैं। तो दोस्तों, इसमें प्राथमिक उपचार में आपका स्वयं सहायता और प्राथमिक सहायता होता है, एंड ए एम बी दोनों होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा, स्वयं सहायता, जो स्वयं द्वारा सबसे पहले उपचार किया जाता है, और प्राथमिक सहायता यानी कि कोई अन्य व्यक्ति आपको सबसे पहले उपचार कर रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों, वह किस प्रकार की प्राथमिक उपचार है जिसमें घायल व्यक्ति द्वारा स्वयं ही उपचार किया जाता है। दोस्तों, आपको चोट लगा, आप स्वयं ही सबसे पहले अपना उपचार कर रहे हैं, तो वो आपका होगा स्वयं सहायता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्राथमिक उपचार को क्या कहते हैं जिसमें घायल व्यक्ति को अन्य लोगों द्वारा सबसे पहले उपचार किया जाता है। तो उसको कहा जाता है प्राथमिक सहायता। अगर स्वयं सबसे पहले अपना उपचार कर रहे हैं तो स्वयं सहायता, कोई अन्य व्यक्ति आपका सबसे पहले उपचार कर रहा है तो प्राथमिक सहायता बोला जाता है। नेक्स्ट है, प्राथमिक उपचार पेटिका में कौन सी सामग्री होना जरूरी है दोस्तों। तो जितने भी उपचार से संबंधित रिलेटेड हैं, जैसे कि पट्टी, प्लास्टर, जीवाणुहीन गेज के टुकड़े एंड कैची, सेफ्टी पिन, सुई, चिमटी, डिटॉल, स्प्रिट, दर्द निवारक दवाएं, खपच्ची, उपयुक्त सभी, ये सभी चीजें होना चाहिए आपके फर्स्ट एड बॉक्स में यानी प्राथमिक उपचार पेटिका में। नेक्स्ट है, प्राथमिक सहायता के लिए पूर्व अपेक्षित आवश्यक व्यक्तिगत गुण कौन कौन से होने चाहिए। तो दोस्तों, जो भी प्राथमिक सहायता कर रहा है वो व्यक्ति, उस व्यक्ति में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो वह शांत व अच्छा निर्णय लेने वाला हो, एंड वो प्राकृतिक सहायता की जानकारी रखता हो तथा व्यवहार कुशल हो, एंड दुर्घटना के कारण बनी परिस्थितियों को सतर्कता से समझने वाला हो। तो ये सभी गुण, उपयुक्त सभी आपका सही रहेगा। ये सभी गुण एक प्राथमिक सहायता के लिए अपेक्षित किया जाता है। नेक्स्ट है, खेलों में चोटें क्यों लगती है। ऑप्शन है, खेलों के नियम का पालन न किया गया हो। सही बात है, मनोवैज्ञानिक तौर पर परेशान, अगर आपका मन सही नहीं है, उत्साह नहीं है, रुचि नहीं है तो भी लगेगा। गलत प्रशिक्षण, तकनीक व उपकरण का प्रयोग, उपयुक्त सभी। दोस्तों, इन सभी के कारण चोटें खेलों में लगती हैं।
नेक्स्ट है हड्डी के टूटने व चटकने को क्या कहते हैं? तो हड्डी का टूटना चटकना फ्रैक्चर कहलाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, खेलों में चोट लगने पर प्राथमिक उपचार के लिए कौन सा सिद्धांत अपनाया जाता है? जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, RICE अभ्यास अपनाया जाता है, यानी आराम देना, बर्फ लगाना, दबा देना, साथ चोट लगे अंग को ऊपर उठाना, उपयुक्त सभी क्रियाएं, उपयुक्त सभी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है बर्फ द्वारा उपचार करने की विधि को क्या कहते हैं? तो दोस्तों बर्फ द्वारा उपचार करने की विधि को क्रायोथेरेपी कहते हैं, एंड जल द्वारा उपचार करने की विधि को हाइड्रोथेरेपी और विद्युत द्वारा उपचार करने की विधि को इलेक्ट्रोथेरेपी कहते हैं और मोम द्वारा उपचार करने की विधि को वैक्स थेरेपी कहते हैं। नेक्स्ट है फ्लैट फुट का पता किस यंत्र से लगाया जाता है? फ्लैट फुट जो हमारा चपटा पाँव होता है, हमारे पैर के बीच में कोई कर्व नहीं बनता है खड़े होने पर, उसको फ्लैट फुट कहते हैं, एकदम समतल रहता है हमारा पैर का तलुआ। तो फ्लैट फुट का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पेडोग्राफ का। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, ऑपरेशन से पहले ज़्यादा रक्त स्त्राव न हो उसके लिए किस विटामिन का इंजेक्शन लगाया जाता है? तो उसके लिए विटामिन के का इंजेक्शन लगाया जाता है, क्योंकि विटामिन के क्या करता है? रक्त को थक्का बनने में मदद करता है। नेक्स्ट है एक खिलाड़ी द्वारा अपना अच्छा प्रदर्शन करने के लिए गलत तरीके से दवाइयों का सेवन करना क्या कहलाता है? तो दोस्तों अच्छा प्रदर्शन करने के लिए गलत तरीके से दवाओं का सेवन करना डोपिंग कहलाता है। ठीक है, और एर्गोजेनिक एड्स क्या होता है? कि वह हमारे क्षमता और प्रदर्शन बढ़ाने के लिए जो एलिमेंट्स लिए जाते हैं, चाहे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या उपकरण की बनावट या आप उत्साह देकर के, वो सब एर्गोजेनिक एड्स होते हैं। और गलत तरीके से दवाओं का सेवन करना प्रदर्शन बढ़ाने के लिए वो डोपिंग कहलाता है। नेक्स्ट है घुटने में चोट विशेषकर किस खेल में ज्यादा लगने की संभावना होती है? तो दोस्तों फुटबॉल में ज्यादातर घुटने में चोट लगती है। नेक्स्ट है दोस्तों, डोपिंग के अंतर्गत मानव शरीर में के किस चीज का परीक्षण किया जाता है? तो इसमें यूरिन यानी मूत्र का परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, बिजली के माध्यम से किया गया इलाज किस नाम से जाना जाता है? तो इलेक्ट्रोथेरेपी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी के माध्यम से किया गया इलाज किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों तो इसको हाइड्रोथेरेपी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है चोटग्रस्त भाग को ठंडे व गर्म पानी द्वारा उपचार करने की विधि को क्या कहते हैं? तो दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत सारे वीडियो में बार बार रिपीट हो चुका है। ठंडे व गर्म पानी द्वारा उपचार करने की विधि को कंट्रास्ट बॉथ बोला जाता है। नेक्स्ट है चोटग्रस्त अंग को ठंडे पानी में डुबो कर गति करवाने की विधि को क्या कहते हैं? दोस्तों चोटग्रस्त भाग को ठंडे पानी या बर्फ में डुबो कर उसके बाद उसको गति यानी अभ्यास कराने को क्रायोकाइनेटिक्स बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है किस उपचार में मोम का प्रयोग किया जाता है? तो उसे हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको हम वैक्स थेरेपी कहते हैं। ठीक है, एंड उसको पैराफिन बाथ भी कहते हैं। यह आपका वैक्स थेरेपी 3 प्रकार का होता है, पैराफिन बाथ, पैराफिन डीप, पैराफिन पैक। ठीक है, नेक्स्ट है खेल प्रशिक्षण के सिद्धांत के अंतर्गत चोटों से बचने का सबसे पहला सिद्धांत कौन सा होता है? तो दोस्तों कोई भी क्रिया करने से, खेल करने से पहले आप सबसे पहले वार्म अप करते हैं। सबसे पहला सिद्धांत चोटों से बचने का क्या होगा? वार्म अप, यानी अपने शरीर को गर्माना, जिससे शरीर में लचीलापन आ जाता है। ठीक है, जिससे कुछ जो भी आप खेल खेलते हैं या कार्य करते हैं उससे चोट कम लगती है। नेक्स्ट है दोस्तों, खेलों में चोटों को कौन से वर्गों में बांटा गया है? यहाँ पे गंभीर चोटें और चोटों में रखा गया है, यहाँ ए और बी दोनों होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है लिगामेंट का खिंचाव अथवा टूटना क्या कहलाता है? तो दोस्तों मैं इसको बार बार बता चुकी हूँ कई वीडियो में, स्प्रेन और स्ट्रेन के बारे में। स्प्रेन ली यानी कि लिगामेंट का खिंचाव अथवा टूटना स्प्रेन कहलाता है। नेक्स्ट है पेशियों अथवा टेंडन का ट्विस्ट यानी खिंचाव या फटना क्या कहलाता है? तो दोस्तों पेशियों का टेंडन का ट्विस्ट खिंचाव क्या कहलाता है? स्ट्रेन। ठीक है, नेक्स्ट है हड्डी का एक से ज्यादा जगह से टूटना क्या कहलाता है? तो इसको मल्टीपल फ्रैक्चर कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, हड्डी व त्वचा दोनों का टूटना क्या कहलाता है? तो इसको हम मिश्रित फ्रैक्चर कहते हैं, कंपाउंड फ्रैक्चर या ओपन फ्रैक्चर। ठीक है, जो एंड दोस्तों जब हड्डी टूटता है और चमड़ी नहीं कटती फटती है तो उसको हम साधारण फ्रैक्चर यानी सिंपल फ्रैक्चर या क्लोज फ्रैक्चर कहते हैं।
जब हड्डी व त्वचा दोनों टूट जाती है, यानी हड्डी टूट कर त्वचा के बाहर दिखाई देने लगती है, बाहर निकल जाती है, तो उसको हम मिश्रित फ्रैक्चर यानी कि कंपाउंड फ्रैक्चर या ओपन फ्रैक्चर बोलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, चोट के कारण मांसपेशियों का नीला पड़ जाना क्या कहलाता है? तो दोस्तों गुम चोट यानी अंदर की चोट जो कटा फटा नहीं है, नीला पड़ जाता है, ठीक है, उसको कॉन्ट्यूजन कहते हैं। नेक्स्ट है, अभी हाल में सचिन तेंदुलकर को कौन सी ओवर यूज इंजरी लगी थी दोस्तों? तो उसको टेनिस एल्बो नामक इंजरी लगी थी, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, हड्डी टूटने के पश्चात शरीर के आंतरिक मुलायम अंगों को क्षति पहुंचने से संभावित फ्रैक्चर क्या कहलाता है? तो दोस्तों जिसमें हड्डियां टूट जाती हैं, हड्डियां टूट कर मुलायम अंगों जैसे फेफड़े, हृदय, गुर्दे आदि में घुस जाती हैं, इसको हम कहते हैं जटिल अस्थि भंग यानी कि कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। नेक्स्ट है दोस्तों, हड्डी टूटने की पहचान के लक्षण कौन कौन से होते हैं? दर्द व सूजन, नीला पड़ जाना, रक्त स्राव तथा हड्डियों का आपस में रगड़ने की आवाज आना, उपरोक्त सभी होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में मुख्यतः कौन सा फ्रैक्चर होता है जिसमें हड्डियां मुड़ जाती हैं, टूटती नहीं है? तो दोस्तों यह ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है, जिसमें हड्डियां टूटती नहीं है बल्कि मुड़ जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, खेल में चोट के बचाव के क्या क्या तरीके हैं? ऑप्शन है खिलाड़ी की फिटनेस तथा ठीक तरह से वार्म अप। दोस्तों जब आप किसी कार्य को करने से पहले वार्म अप करेंगे, आपका फिटनेस लेवल सही है तो चोट कम लगेगा। एंड खेल के पश्चात कूल डाउन यानी खेल के खेलने के बाद कूल डाउन करेंगे, हल्का हल्का चलेंगे, हल्का हल्का जॉगिंग करेंगे और सांस को अंदर बाहर करेंगे। एंड नियमों का पालन तथा सही तरीके की वेशभूषा व उपकरणों का प्रयोग, तो उपयुक्त सभी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट दोस्तों, हड्डियों के फ्रैक्चर कितने प्रकार में वर्गीकृत किए गए हैं? तो दोस्तों 2 प्रकार में वर्गीकृत किए गए हैं। नेक्स्ट है, हड्डियों के फ्रैक्चर कौन से 2 प्रकार के होते हैं? दोस्तों यह 2 प्रकार का होता है, साधारण या बंद फ्रैक्चर जिसे हम सिंपल या क्लोज फ्रैक्चर कहते हैं, दूसरा होता है संयुक्त या खुला फ्रैक्चर जिसे हम कंपाउंड या ओपन फ्रैक्चर कहते हैं। साधारण फ्रैक्चर में टूटने पर हड्डी घाव किसी प्रकार का घाव नहीं होता, चमड़ी कटती फटती नहीं है। मिश्रित फ्रैक्चर में यानी कंपाउंड या ओपन फ्रैक्चर में हड्डियां टूटकर चमड़ी से बाहर निकल आती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, चोट लगने के पश्चात हड्डी कई स्थान से कुचल जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों ट्विस्ट हो जाती है, कई स्थान से कुचल जाती है, उसको हम विखंडित फ्रैक्चर या कम्युनिटेड फ्रैक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कम्युनिटेड फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है, कम्युनिटेड फ्रैक्चर जो है एक ही हड्डी का कई टुकड़ों में टूट जाती है, यानी उसमें कई स्थानों से कुचल जाती है, जिससे मुलायम ऊतकों में संक्रमण का खतरा बना रहता है। नेक्स्ट दोस्तों, मांसपेशियों के तीक्ष्ण संकुचन के कारण होने वाला फ्रैक्चर क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसको हम एवल्जन फ्रैक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? एवल्जन फ्रैक्चर कहते हैं। एवल्जन फ्रैक्चर में होता क्या है कि तीक्ष्ण यानी एकाएक संकुचन के कारण मांसपेशी या टेंडन जो होता है वह हमारे हड्डियों से अलग हो जाती है, उसे ही एवल्जन फ्रैक्चर कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जो भी डाउट है दोस्तों मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और बेहतरीन तैयारी के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे, अपने सेल्फ स्टडी भी करते रहिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।